आज हम बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई कंप्यूटर इज नोन एज डेटा प्रोसेसर। कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर क्यों बोला जाता है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनमें से गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने यह टॉपिक डिस्कस करने के लिए चूज किया है। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर वर्ड कहां से आया। तो कंप्यूटर वर्ड जो है वो कंप्यूट से आया, जिसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट। कैलकुलेट का मीनिंग तो सबको पता होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेट वर्ड यूज होता है। तो ये देखिए, अब कंप्यूटर की डेफिनेशन यहीं से बन रही है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है कंप्यूटर एट वेरी हाई स्पीड, और इसकी स्पीड जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है एज कंपैरेटिव टू ह्यूमन बीइंग्स। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस मींस प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन एक्सेट्रा। कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं बल्कि और भी बहुत सारे काम करता है, तो इसीलिए कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर भी बोला जाता है। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को यूज किया जाता है। तो डेटा प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है एंड रिट्राइव करता है जब भी हमें जरूरत पड़ती है। मींस हमें जब भी डेटा की जरूरत पड़ती है तो हम कंप्यूटर से ले सकते हैं। तो अब मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करूं तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर कहां से डिराइव हुआ है। तो कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से डिराइव हुआ है, और जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेट। उसके बाद कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है एट हाई स्पीड। तो कंप्यूटर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्राइव। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब डेटा प्रोसेसर की बात हुई है, तो डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है। द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डेटा मींस डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो एक्टिविटी कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा प्रोसेसिंग। तो ये देखिए, मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले आपके पास है डेटा। डेटा को हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, या फिर डेटा को हम रॉ फैक्ट्स भी बोल देते हैं। तो डेटा एज इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर को। तो ये देखिए, डेटा इज रॉ मटेरियल, रॉ फैक्ट्स यूज्ड एज इनपुट टू कंप्यूटर। उसके बाद कंप्यूटर को हम डेटा प्रोसेसर बोलते हैं बिकॉज ये डेटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दी जाती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन या फिर रिजल्ट्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी बोल देते हैं हम। तो ये देखिए, इंफॉर्मेशन क्या है, तो इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा ऑब्टेन्ड एज आउटपुट। मींस प्रोसेस करने के बाद जो डेटा हमें मिलता है उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो आई थिंक आपको अब कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज क्लियर हो गई होगी कि कंप्यूटर कैसे डेटा को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। तो कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि डेटा क्या है, तो आंसर में लिखा होता है रॉ फैक्ट्स, तो आपने टिक करना है रॉ फैक्ट्स या फिर रॉ मटेरियल। तो कई बार क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन, तो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो यहां से निकल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन वो भी है कि कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर क्यों बोला जाता है। तो कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है इसलिए इसे डेटा प्रोसेसर बोला जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो अब हम करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो अभी लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि वर्सेटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, और बाकी चीजें जो हैं वो सारी की सारी एक्सप्लेन करने वाली रहती थी।
लेकिन हम सारी की सारी चीजें अगेन डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि हर एक करेक्टरिस्टिक के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पे क्वेश्चन बना था। अब बाकियों के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं, सो दैट अगर इनमें से कोई क्वेश्चन बने तो आपको उसका आंसर जरूर आता हो। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ऑटोमेटिक। तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक है कि ये ऑटोमेटिकली काम करता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, मींस ह्यूमन की हेल्प के बगैर ही वो ऑटोमेटिकली सारा का सारा काम कर सकता है। इसको सिर्फ हमने इंस्ट्रक्शंस देनी होती है और वह इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता रहता है। सेकंड करैक्टरिस्टिक है स्पीड। तो मैंने अभी बताया कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ही स्पीड से काम करता है। ये बिलियंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है, तो इसकी स्पीड ह्यूमन से बहुत ज्यादा होती है। ह्यूमन इतनी स्पीड से कभी भी काम नहीं कर सकता। तो अगर क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर की स्पीड कितनी होती है, तो उसका आंसर होगा कि सेवरल बिलियन अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर एक सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूरेसी। तो कई बार क्वेश्चन में बताया होता है, तीन चार ऑप्शंस दी होती हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक है, तो आपको ये सारी की सारी ऑप्शंस पता होने चाहिए, तभी आप उसमें से ऑप्शन चूज कर पाओगे। तो अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। तो कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशंस को बिल्कुल एक्यूरेटली परफॉर्म करता है और कभी भी मिस्टेक नहीं करता, लेकिन कंडीशन यह है कि आपने उसको इनपुट सही प्रोवाइड की हो, तो अदरवाइज वह एक्यूरेटली आंसर नहीं दे पाएगा बिकॉज आपने इनपुट ही गलत दी है। तो एक यहां पे टर्म आती है गीगो, GIGO, जो कि एक्यूरेसी से रिलेटेड है। यह क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो यह एक्यूरेसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन चार ऑप्शंस में से बताओ कि कौन सी चीज एक्यूरेसी से रिलेटेड है, तो आपको सिलेक्ट करना होता है गीगो। तो गीगो की फुल फॉर्म क्या है, तो गीगो की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मींस जैसी इनपुट आप कंप्यूटर को दोगे वो उसी तरह की आउटपुट आपको देगा। अगर आपने राइट इनपुट की है तो इसका रिजल्ट, इसकी आउटपुट आपको करेक्ट मिलेगी, अदरवाइज अगर आप इनपुट गलत देते हो तो उसका आंसर भी आपको रॉन्ग ही मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक डिलीजेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है। डिलीजेंस का मीनिंग क्या होता है, तो डिलीजेंस का मीनिंग है कि कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन कभी भी कम नहीं होती। जैसे ह्यूमन है वह सारा दिन काम करने के बाद थक सकता है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता। ह्यूमन की एफिशिएंसी कम हो जाती है जब वह तीन चार या पांच घंटे काम कर लेता है, तो वह स्लो डाउन हो जाता है, काम करने की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता। वह जैसे फर्स्ट वर्क करता है वैसे ही लास्ट वर्क करता है, मतलब उतनी ही स्पीड से फर्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है और उतनी ही स्पीड से लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है। तो कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता, तो इस करैक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, डिलीजेंस। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है वर्सेटिलिटी। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो हम इसे फिर से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इट कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, मींस कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे टास्क एट द सेम टाइम परफॉर्म कर सकता है। मींस जैसे एक साइड पे आप गाने सुन रहे हो, एक साइड पे आपने इंटरनेट चलाया हुआ है और आप ईमेल्स चेक कर रहे हो, एंड ऑन द अदर एंड आपने दो तीन और एप्लीकेशंस ओपन की है जैसे पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कॉरल। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशंस आपके सामने ओपनड हैं और कंप्यूटर सारे के सारे टास्क एट द सेम टाइम परफॉर्म कर रहा है, तो इस फीचर को हम क्या बोलते हैं,
वर्सेटिलिटी, मींस ये नंबर ऑफ टास्क एट द सेम टाइम परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है मेमोरी। तो कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी चाहो बढ़ा सकते हो, मींस कंप्यूटर के पास ह्यूज मेमोरी हो सकती है जिसमें आपका डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कंप्यूटर कभी भी किसी चीज को भूलता नहीं है, तो इसकी मेमोरी बहुत शार्प है। मींस कंप्यूटर में आप चाहे आफ्टर 10 इयर्स कोई भी डाटा निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, नो आईक्यू। कंप्यूटर की अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, तो इस करैक्टरिस्टिक से हमें यह पता चलता है कि कंप्यूटर अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता और इसे हमें बताना पड़ता है कि हमने कौन कौन सा काम उससे करवाना है और वन बाय वन हम उसे काम देते जाते हैं और कंप्यूटर उसे परफॉर्म करता रहता है, लेकिन ये अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता, इसकी अपनी कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक, नो फीलिंग्स। तो कंप्यूटर की कोई भी फीलिंग नहीं होती या इसमें कोई भी इमोशंस नहीं होते, तो ये अपने आप कोई भी जजमेंट नहीं कर सकता। इसे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ये उनके अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो स्टूडेंट्स, आप इन 8 करैक्टरिस्टिक्स को याद कर लीजिए। इनके कम से कम आपको नेम्स तो पता होने ही चाहिए, बिकॉज जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इनमें से चूज करो कि कौन सी कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक है, तो आप इन 8 ऑप्शंस में से तभी चूज कर पाओगे अगर आपको यह ऑप्शंस याद है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।